हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। मैं रोविंद दीवाना आपका स्वागत करता हूं भाई। इस वीडियो में हम बात करेंगे जॉर्जिया के टूरिस्ट वीजा के बारे में। भाई तो बहुत सारे सवाल आते रहते हैं जॉर्जिया के बारे में और आप लोगों के बहुत सारे कंफ्यूजन रहते हैं। और भाई वीज़ा देखो ऑलमोस्ट दे दिया जाता है जॉर्जिया का, ठीक है, क्योंकि अपना जो प्रोसेस है एग्जीक्यूशन का वो सही है एंड रिजल्ट जो है 99% है। एक आध आता रहता रिफ्यूज़ल, तो वो भी जो है दोबारा अप्लाई करा के उसका सोल्यूशन हो जाता है और वीज़ा अप्रूव हो जाता है। बहुत सारी मैंने वीडियोस पहले भी शेयर करी हैं इसके बारे में। तो जॉर्जिया के वीज़ा के बारे में हम बात कर रहे हैं इस वीडियो में कि क्या इसका अभी सक्सेस रेशो चल रहा है और कौन लोग इसको अप्लाई कर सकते हैं, किन को अप्लाई करना चाहिए और क्या अभी के टाइम में डॉक्यूमेंट्स रिक्वायरमेंट हैं। अभी के टाइम में तो प्रोसेस थोड़ा सा इनका चेंज हुआ है। चेंज एक्चुअली क्या था कि पहले बहुत सारे लोग क्या करते थे कि पेमेंट में इशू आता था, यानी कि आप जब खुद से ट्राई करते थे तो आप पेमेंट करते थे ना अपने कार्ड से, डेबिट कार्ड से, फिर क्रेडिट कार्ड से, तो आपकी पेमेंट हो जाती थी बट आपका जो प्रोसेस वो है एग्जीक्यूट नहीं होता था, यानी कि सक्सेस नहीं होता था और जो अमाउंट है आपका 20,000 35 USD जो भी है वो डिडक्ट हो जाता था और फिर परेशानी, यानी जब आपके पैसे कटते तो परेशानी हो ही जाती है, आपको पता है। एंड उसमें अभी आपको ये रहता है कि भाई यार पैसे कट गए, पेमेंट हुई नहीं, किसी ने दो बार ट्राई करता था, कोई तीन बार ट्राई करता था और वो पेमेंट होती नहीं थी। तो वो इन्होंने ठीक कर दिया है और उसी के चलते इन्होंने जो अपना पोर्टल है उसको भी चेंज किया है और उसको भी इन्होंने इम्प्रूव कर दिया, यानी कि जो पेमेंट है वो इशू नहीं आता, पेमेंट ईजिली हो जाती है। एंड सेकेंडली जो टेक्निकल चीज़ थी, इनके टेक्निकल इशू था, वो उन्होंने ठीक कर दिया और जो पेमेंट और जो एप्लीकेशन का प्रोसेस था वो थोड़ा चेंज हो गया। देखो जॉर्जिया एक लौती ऐसी कंट्री है जो आपकी बैंक स्टेटमेंट, आपका पैन कार्ड, आपका आधार कार्ड और आपका जो ITR है उनको ई वेरीफाई करती है, ठीक है। तो ये डिटेल में देखना, ये वीडियो पूरी थोड़ी सी लंबी हो सकती है लेकिन आपको डिटेल में एक एक चीज समझ में आ जाएगी कि आपको करना क्या है। वीडियो में मैं इसीलिए बता रहा हूँ कि जो डॉक्यूमेंट अभी मैं स्क्रीन पर भी देख रहा हूँ और आपको भी मैं अभी बताऊंगा, दिखाऊंगा थोड़ा सा। तो जॉर्जिया एक कंट्री ऐसी है जो ई वेरीफाई करती है आपके सारे डॉक्यूमेंट्स, उसमें आपका बैंक स्टेटमेंट हो गई, आपका आधार कार्ड, पैन कार्ड, आपकी ITR सारी ई वेरीफाई होती है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि भाई फेक डॉक्यूमेंट एक्सेप्टेबल नहीं है, ठीक है ना। तो भाई किसी बंदे को हमें कोई मैसेज करना है कि भाई फेक डॉक्यूमेंट या हमारे पास डॉक्यूमेंट नहीं है तो हमारा वीजा करवा दो, तो भाई ऐसा पॉसिबल नहीं है, हम करते भी नहीं है। किसी भी कंट्री का हो, चाहे जॉर्जिया हो, चाहे कोई और भी कंट्री हो, आप दुनिया जहान के और भी बंदे बैठे हुए हैं भाई करते हैं, ठीक है, वो हम नहीं करते भाई, आप उनके पास जा सकते हो अगर आपके पास डॉक्यूमेंट हैं और तो ही आप हमसे कॉन्टेक्ट करो, उसी का फायदा है भाई, क्योंकि फिर हम वो चीज़ कर नहीं पाएंगे और फिर आपका वो काम होगा नहीं, आपका टाइम वेस्ट होगा, हमारा भी होगा, उसका कोई फायदा नहीं है। तो जॉर्जिया का वीज़ा लेने के लिए भाई आपको क्या करना है? सबसे पहले तो बहुत सारे बंदे ये कि भाई फ्रेश पासपोर्ट है और क्या हम वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं, तो भाई उसका आंसर है यस, बिल्कुल आप वीज़ा अप्लाई कर सकते हो। जॉर्जिया देखो ऐसी कंट्री है, बहुत सारे बंदे ये भी पूछते हैं कि भाई ये शेनिगन में नहीं है, ठीक है, मैं क्लियरली आपको बता रहा हूँ कि दिस इज़ नॉट अ शेनिगन कंट्री। इसमें आपको क्या है कि ये यूरोपियन यूनियन का पार्ट इन फ्यूचर बन सकती है, क्योंकि इनका जो टाई अप है या फिर जो इनका एक क्राइटेरिया है उसके अकॉर्डिंग अभी इनकी बातचीत चल रही है और उसमें इनकी डीलिंग हो सकती है, तो हो सकता है कि इन फ्यूचर ये शेनिगन में भी आ जाए, बट अभी के टाइम में शेनिगन में नहीं है। बट हाँ, पूरा का पूरा कल्चर यूरोपियन है, ठीक है, पूरे के पूरा जो आप वहाँ पे जाके विजिट करोगे तो पूरा आपको यूरोप ही लगेगा, वो ऐसा नहीं लगेगा आप किसी यूरोपियन कंट्री में नहीं आए। तो अब उसके लिए आपका है फ्रेश पासपोर्ट, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप बिल्कुल अप्लाई कर दो, लेकिन फ्रेश पासपोर्ट है, आपकी एज है 20, ये भी सवाल आता है कि भाई 20 साल है फिर 19 साल है तो हम क्या करें, आप स्पॉन्सर में अपनी फाइल लगवा सकते हो, यानी कि आपके फादर या फिर आपकी मदर आपको स्पॉन्सर कर सकते हैं और उनके डॉक्यूमेंट लग जाएंगे, उनकी बैंक स्टेटमेंट लगेगी और उनकी ITR लगेगी। आपकी एज कम है तो उसका सोल्यूशन ये हो गया। अब आपकी एज ठीक है बट आपका फ्रेश पासपोर्ट है, अब आपकी बैंक स्टेटमेंट होनी चाहिए आपके पास और ITR आपके पास होनी चाहिए। ITR इन द सेंस अगर आपका पासपोर्ट फ्रेश भी है, ठीक है, मान लो कि जैसे बहुत सारे ऐसे वीजे आते हैं जो मैं आपको अगर दिखाऊं तो थोड़ा लंबा हिसाब किताब हो जाएगा, तो उसको छोड़ दें अभी। तो इसमें आप क्या कर सकते हो, अगर आपका फ्रेश पासपोर्ट है तो आप अपनी जो स्टेटमेंट है बैंक स्टेटमेंट
उसके अंदर आपका जो बैलेंस है वो एटलीस्ट 3 लाख के आसपास होना चाहिए। ठीक है, इसमें ये भी नहीं है कि भाई जॉर्जिया में कि आपको मेंटेन ही करना चाहिए, जैसे सैनिगन या फिर दूसरी कंट्री मांगती है कि मेंटेन बैलेंस चाहिए। जॉर्जिया में ऐसा भी कुछ नहीं है, आप लेटेस्ट फंड्स भी डाल सकते हैं वीजा लेने के लिए। ठीक है, तो ITR हो गई, ITR आप बहुत सारे बंदे जो 3 साल की, 2 साल की, 1 साल की, कितने की चाहिए भाई, आप लेटेस्ट डाल दो वो ITR भी एक्सेप्टेबल है। यानी कि आप पीछे पहले नहीं डालते थे या आपने पहले कभी ट्राई ही नहीं किया तो लेटेस्ट आप डाल सकते हो, वो भी एक्सेप्टेबल है, आपकी बैंक स्टेटमेंट और आपकी ITR। तो ये दो दो ही मेन डॉक्यूमेंट हैं इसके अंदर। बाकी भाई देखो, आधार कार्ड सबके पास होता है, पासपोर्ट सबके पास होता है, ठीक है, पैन कार्ड भी ऑलमोस्ट सभी के पास होता है आजकल, तो ये तीनों डॉक्यूमेंट्स तो आपके पास आई हैं। ITR आपकी डल जाएगी, वो ही वेरीफाई होती है। बैंक स्टेटमेंट जैसे मैंने बोला कि भाई लेटेस्ट फंड अगर नहीं भी हैं तो भी आप इस कंट्री का वीज़ा ले सकते हो। और ये वीज़ा लेने के लिए देखो भाई, इन भाई साहब का इन्होंने क्या करा था कि इन्होंने 2-3 बार कहीं से और ट्रैवल कंपनी से अप्लाई करवाया लेकिन रिफ्यूज़ हो गया, खुद भी ट्राई किया तब भी नहीं हुआ, देन ये हमारे पास आए तो इनका फाइनली वीज़ा आ गया। तो ऐसे केसेस में भाई जो रिफ्यूज़ल भी अगर आपके पास हैं 2 या 3 जो भी है, तो आप डेफिनेटली हमारी सर्विस ले सकते हो और आपको वीज़ा मिल जाएगा। अब जिन बंदों के पास मैंने बताया कि डॉक्यूमेंट आपके पास नहीं है या फिर ITR भी नहीं है, तो उसका सोल्यूशन भी मैंने आपको बता दिया, लेटेस्ट ITR भी चल जाएगी, लेटेस्ट फंड्स भी चल जाएंगे, तो अब तो कोई इशू रहा ही नहीं। यानी कि ऐसा कोई इशू, लूपहोल नहीं रहा कि जिससे आपको ये वीज़ा मिले ना या फिर आपके पास डॉक्यूमेंट नहीं है। बाकी नॉर्मल डॉक्यूमेंट वो सबके पास होते हैं, वो आपका ई वेरीफाई होता है, आपका आधार कार्ड, आपका OTP जाता है, आधार कार्ड आपका वेरीफाई होता है, वो OTP जाएगा आपके नंबर पे, जो नंबर उसमें रजिस्टर होता है, आपका ITR और पासवर्ड के साथ आपकी जो ITR वेरीफाई होती है। तीसरी चीज़ ITR, ये भी पूछते बंदे कि भाई टैक्स है कि नॉन टैक्सेबल, दोनों ही एक्सेप्टेबल हैं। अगर टैक्स बिल करते हैं तो और अच्छा है, नहीं भी करते हैं तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो वो भी एक्सेप्टेबल है, वो भी वेरीफाई हो जाती है और वो भी आपका उसके जो मोस्टली है भाई, अभी मेरे हिसाब से जितने भी हमने वीज़ा निकाले हैं सबके ऑलमोस्ट जो है विदाउट नील वाले, मतलब थे विदाउट टैक्स वाली ITR थी इनकी, सब के ऐसे ही आए हैं। तो आप लोगों को क्या करना है, सिंपल डॉक्यूमेंट्स मेन बताया मैंने, आपका बैंक स्टेटमेंट और आपकी ITR, नहीं भी है तो डलवा सकते हो। अगर ITR नहीं भी डाली आपने, है ही नहीं, बिल्कुल ही कोई ऑप्शन नहीं है, ना डालना आप चाहते हो, तो भी आपके चांसेस हैं कि आपको वीज़ा मिल जाएगा। ठीक है, बट उसमें कि थोड़े से डॉक्यूमेंट एक्स्ट्रा आपको देने पड़ते हैं कुछ, जैसे आपका कोई एजुकेशन सर्टिफिकेट हो गया या फिर आपकी सैलरी स्लिप हो गई या आपके अपॉइनिंग लेटर हो गया या कुछ और हो गया, तो ऐसे करके आप दे सकते हैं। बैंक बैलेंस जो है वो आपका प्रॉपर रहना चाहिए बैलेंस उसके अंदर, 6 मंथ की बैंक स्टेटमेंट, ठीक है, 3 मंथ की नहीं चलेगी भाई, और ना तो कोई फ्रॉजलेंट स्टेटमेंट चलेगी, ना कोई एडिट करी हुई स्टेटमेंट चलेगी जो कि मोस्टली लोग आजकल लगा रहे हैं दूसरी कंट्री के वीज़ा लेने के लिए, ये कुछ भी नहीं चलेगा। आपको सिर्फ और सिर्फ जो स्टेटमेंट है ओरिजिनल आपकी बैंक से मिली हुई या फिर आपके मोबाइल ऐप से मिली हुई ओरिजिनल स्टेटमेंट, हालांकि उसमें पासवर्ड है या नहीं है वो एक मैटर नहीं करता, तो वो ही प्रॉपर एक्सेप्टेबल रहती है, कोई भी फ्रॉजुलेंट स्टेटमेंट एक्सेप्टेबल नहीं है। ठीक है, ना वो एक्सेप्ट करेगा ना उसको वो लेगा, तो आपकी फाइल ही सबमिट नहीं होगी। तो इस चक्कर में पड़ना मत भाई बिल्कुल भी, ये फेक चीज़ें ना तो आप करो, ना आप करवाओ, ना इस चीज़ को आप सपोर्ट करो। ठीक है, तो ये चीज़ हो गई इसमें, ये थी इसकी सारी डिटेल वीज़ा के मेन डॉक्यूमेंट्स की। ठीक है, अब आप लोग पूछते हैं कि भाई मेरा उस कंट्री का रिफ्यूज़ल है, मेरा इस कंट्री का रिफ्यूज़ल है, तो हमें क्या करना चाहिए, हमें उस कंट्री ने वीज़ा नहीं दिया, इसने भी नहीं दिया। तो भाई अगर किसी ने भी नहीं दिया तो आप जॉर्जिया को डेफिनेटली कंसीडर कर सकते हो, बहुत अच्छी कंट्री है ट्रैवल हिस्ट्री के लिए। बहुत सारे बंदे पूछते हैं कि भाई ट्रैवल हिस्ट्री बनानी है हमने, क्या करना है, तो ये करना है आपको, जॉर्जिया का वीज़ा लो, आप जॉर्जिया के साथ कोलैब कर सकते हो आर्मेनिया, ठीक है, जॉर्जिया भी कर सकते हो, और सॉरी ये अजरबैजान भी कर सकते हो, नहीं तो फिर आप दुबई करो, UAE करो, या फिर कतर, ओमान वगैरह कई सारी कंट्री हैं जहाँ आप इनके साथ कोलैब कर सकते हो और अपनी ट्रैवल हिस्ट्री बना सकते हो। तो बहुत सारी चीज़ें हैं भाई, और बहुत सारे देखो डिटेल में और जाएंगे तो फिर और ज़्यादा लंबा टाइम हो जाएगा। तो मेरे हिसाब से आपको क्या करना क्या है, आपको सिर्फ और सिर्फ अपने डॉक्यूमेंट, मेन डॉक्यूमेंट आपको बैंक बैलेंस मेंटेन करना है सबसे पहले, तो दूसरा आपको ITR नहीं है तो आप डाल सकते हो, अगर है तो फिर वेल एंड गुड है, कोई इशू ही नहीं है, आप उठा के, अगर आपके पास बिजनेस प्रूफ भी नहीं है, इसकी बात कर लेते हैं कि भाई बिजनेस प्रूफ नहीं है तो भी आप इस कंट्री का वीज़ा अप्लाई कर सकते हो। जॉर्जिया का पहले प्रोसेस क्या था भाई, पहले ये इजी नहीं था,
ये बहुत हार्ड वीज़ा था, जैसे कि शेनिगन मिलता है, टर्की मिलता है, यूके का मिलता है, ऐसे ही एक शेनिगन कंट्री का जैसे वीज़ा मिलता था, जॉर्जिया का भी ऐसे ही मिलता था भाई, ये इजी नहीं है। लेकिन अभी जो प्रोसेस थोड़ा सा स्मूथ हो गया है और जो हमारा भाई सक्सेस रेशो है 99.9% है, जिसमें कि मोस्टली सभी लोगों के वीज़े आ रहे हैं अभी, तो आप लोग भी कंसीडर कर सकते हो। अगर आपको लगता है कि भाई हाँ ये वर्थ इट है, तो डेफिनेटली आप इसको कंसीडर करो। कांटेक्ट आपको कैसे करना है हमारे साथ भाई, देखो ओरो की तरह नंबर तो हम भी डाल सकते हैं स्क्रीन पे, है ना, पहले ही कवर उसमें डाल देते हैं, थंबनेल में नंबर डाल देते हैं कि भाई कॉल कर लो दूर से उठा के। तो भाई देखो मोस्टली क्या होता है कि आपको पता है कि बहुत ज़्यादा फ्रॉड चल रहा है, स्कैम चल रहा है आजकल, तो भाई इंटेंशन आप लोगों का भी सही होना चाहिए, यानी कि आपको काम करवाना है ना। और यहाँ पे भाई मोस्टली जितने भी लोग आते हैं सबका मोस्टली काम होता है, और ना फिर बिल्कुल बजट में, वो भी यानी कि भाई किसी से ज़्यादा पैसे ले लिए, कुछ ऐसा कुछ हो गया नो। तो आप लोगों को ये चीज़ खुद समझनी है कि भाई कौन सही है और कौन गलत है ना। तो ये चीज़ आपको ही कंसिडर करनी है, और आप लोग समझदार हो भाई, आप लोग भी वीडियोज़ देखते हो हर तरह की, और आपको भी पता आता है कि कौन सही है कौन गलत है। तो थोड़ा सोच समझ के दिमाग से आप काम लो और उसके बाद आप काम कर। तो कॉन्टैक्ट कैसे करना है भाई, आपको इंस्टाग्राम के थ्रू कॉन्टैक्ट करना है, वहाँ पे आपको फॉलो करना है, मैसेज करना है, वहाँ पे आपको सारी डिटेल्स इन्फॉर्मेशन जो भी है वो सारी शेयर हो जाएंगी। और जैसे ही आपको इन्फॉर्मेशन जरूरत है आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, डिटेल्स आपको मिल जाएंगी, एंड देन यू कैन गो थ्रू विद द प्रोसेस। तो भाई मेरे हिसाब से मैंने सारी डिटेल्स बता दी हैं, लेटेस्ट वीज़ा ऑलमोस्ट जैसे मैंने बताया कि डेली आते, भाई हर एक बंदे की वीडियो नहीं बन पाती, इतना टाइम भी नहीं रहता। तो कोई भी आपका इशू रहता है जॉर्जिया के वीज़ा को लेकर, तो मैं 99.99% श्योर हूँ कि आपका वीज़ा मिल जाएगा। आप कॉन्टैक्ट करो और बातचीत करो, इफ़ यू सेटिस्फाई देन यू कैन गो अहेड। बाकी ऐसे भाई इन्फॉर्मेशन के साथ हम वीडियो लाते रहते हैं, और मोस्टली यूएसए को छोड़ के हम जो भी कंट्रीज़ हैं उनका वीज़ा करते हैं भाई, एंड जो सर्विस चार्जेज है वो नॉर्मल नॉर्मल है बिल्कुल। बाकी जो भी आपका डाउट रहता है भाई, उसके लिए भी आप इंस्टा पे फॉलो करो, मैसेज करो, वहाँ पे आपको रिप्लाई मिल जाएगा। तो मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर भाई, थैंक यू।